Hello and welcome to you all. Now, today I am going to discuss a very important chapter and a very important topic of that chapter. The chapter name is Current and Electricity and topic is Internal Resistance of Cell, Relation between Internal Resistance, EMF and External Resistance, and the last topic is Terminal Potential Difference. तो आज हम लोग इस लेक्चर में ये सभी टॉपिक कवर करने वाले हैं. इससे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस देखे थे कि कैसे किसी सर्किट में बहुत सारे अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट कनेक्शन में कनेक्ट हो, चाहे वो सीरीज या पैरेलल में, तो उसका कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको जो अगला टॉपिक मिलेगा या कोई सर्किट एनालिसिस करना होगा तो उसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक आप सर्किट का करंट नहीं फाइंड कर पाएंगे या किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं निकाल पाएंगे. तो इसलिए आप उस लेक्चर को इग्नोर ना करें, उसे पूरा देखें. तो आइए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ईजी है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो हमारा पहला टॉपिक है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ये हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहला मीनिंग है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से सेल क्या है, व्हाट इज सेल. तो सेल आप किसे कहते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं सेल क्या होता है, लेकिन उसे डिफाइन करना थोड़ा सा टफ है. तो सेल बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि द सिस्टम विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy, then after time this chemical energy is converted into electrical energy. That type system is known as cell. Cell एक ऐसा system है जो कि electrical energy को store करता है but in a form of chemical energy, और हमें फिर जरूरत पड़ने पर उसी chemical energy को convert करके electrical energy में provide करा देता है circuit को. तो ऐसे system को हम लोग cell बोलते हैं. अब सोच रहे होंगे तो फिर battery किसे कहते हैं. जब कई सेल को मिलाया जाता है, कंबाइंड किया जाता है, तो जो सिस्टम बनता है उसे बैटरी कहते हैं. यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन सेल इज नोन एज बैटरी. तो सेल और बैटरी में डेफिनेशन समझ में आ गया आपको. तो ये सेल होता है. अब सेल कैसा होता है, तो आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में भी कि सेल को बनाने के लिए हम लोग एक आउटर बॉक्स लेते हैं जो कि बिल्कुल इंसुलेटर का होता है, प्लास्टिक कह सकते हैं. और इस बॉक्स के इन साइड में ये इस टाइप से like that is a cell, outer box of the cell, and this is a electrode, this is a electrode, anode and cathode, plus and minus. ये तो हुआ इसके इलेक्ट्रोड, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं दिस इज अ इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है. ओके, इसके बाद इस सेल के इन साइड में एक केमिकल फिल होता है, लिक्विड फॉर्म में एक केमिकल भरा जाता है सेल के अंदर. ये केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट चाहे ये सल्फ्यूरिक एसिड हो या और कुछ कोई भी लिक्विड हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. दैट केमिकल इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा केमिकल होता है जो कि चार्ज को पास होने के लिए हेल्प करता है, यानी कि वो कंडक्टर होता है एक तरह, समझिए कि कंडक्टिंग प्रॉपर्टी उसके अंदर होता है. ये लिक्विड है. अब ये तो सारा सेल का इंटरनल डायग्राम हो गया. अब हम क्या करेंगे, जब सेल में को सर्किट से, किसी सेल को जब सर्किट से हम कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में चार्ज फ्लो होना शुरू होगा. कैसे शुरू होगा इसको देखिए. तो यहाँ पर अगर हम लाइक दैट हम एक सर्किट यहाँ पर अप्लाई कर दें एक रेजिस्टेंस के थ्रू लाइक दैट, तो यहाँ से चार्ज फ्लो होगा, ऐसे करंट फ्लो होगी, तो इसमें करंट फ्लो होगा. तो जाहिर सी बात है कि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा. यानी कि ये चार्ज जो है इस केमिकल के थ्रू भी फिर ऐसे जाता है, तभी तो ये सर्किट कंप्लीट होगा, क्लोज्ड पाथ बनेगा. तो यहां पर
जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है उसी को इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ ये केमिकल जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन बोल सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल विच फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। इज इट क्लियर? यानी कि ये केमिकल से जब कोई किसी भी कंडक्टर से, सेमी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है तो वहां पर भी एक रेजिस्टेंस होता है। ऐसा नहीं है कि कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस जीरो होगा, कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस होता है। तो इसी तरीके से ये इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस अफर्ड करता है उसी रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, और ये सर्किट जो आउटर सर्किट जो रेजिस्टेंस अफर्ड करता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज डिनोटेड बाई स्मॉल आर। यहां पर जो रेजिस्टेंस अफोर्ड होगा उसे स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। ये वो सेल के अंदर होता है। इज इट क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है। यही रीजन है कि सेल पर लिखा कुछ और होता है और उसे मेजरमेंट करने पर पोटेंशियल ड्रॉप कुछ और, पोटेंशियल कुछ और आता है। जैसे हम लोग मार्केट से जो सेल खरीदते हैं, कोई भी सेल बैटरी खरीद लीजिए आप, मार्केट जब बैटरी खरीद के लाएंगे तो उसकी एक रेटिंग टेबल होता है। उस रेटिंग टेबल पे लिखा रहता है 12 वोल्ट, 2 एम्पियर, 3 वॉट, ऐसे एक रेटिंग टेबल लिखा रहता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम इसके टर्मिनल पर जब हम पोटेंशियोमीटर यानी कि वोल्ट मीटर जब लगाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 11.5 वोल्ट ही हमें प्रोवाइड करा पाता है, 12 वोल्ट नहीं दे पाता। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो वो पोटेंशियल जो लॉस होता है किसकी वजह से होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होता है, क्योंकि कहीं पर रेजिस्टेंस है और करंट फ्लो हो रहा है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू आई आर, लॉसेस होगा। तो यही यहाँ पर एक लॉसेस होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसी भी सेल या बैटरी के इनसाइड में ही इनबिल्ट होता है। इज इट क्लियर? अब आइए देखते हैं कि हमारा जो है अगला एक टॉपिक है इसमें, पहले हम इस टॉपिक को देखते हैं, देन हम इसको डिस्कस करेंगे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? जैसा कि नाम से ही कन्फर्म है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ द सेल। सिंपल सा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ द सेल। किसी भी सेल का जो टर्मिनल है, जैसे ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा इसी पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल होते हैं। अब सोचेंगे आप कि सर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो होना चाहिए क्योंकि 12 वोल्ट और 12 वोल्ट ये है तो टर्मिनल दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 12 माइनस 12 जीरो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी भी सेल या बैटरी में जो एनोड होता है यानी कि आप बोल सकते हैं जो उसका पॉजिटिव फेस होता है, वो जितनी बैटरी की रेटिंग है या जो मेजरमेंट करने पे एग्जैक्ट पोटेंशियल आ रहा है उतना होता है, जैसे 11.5 वोल्ट हुआ, और जो एन कैथोड होता है उसकी जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, यानी कि न्यूट्रल जो होता है वो जीरो वोल्ट होता है, जीरो वोल्ट। तो जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 11.5 माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू 11.5 वोल्ट, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा इससे और आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो एक हमारा डेरिवेशन के फॉर्म में है, हम इसे डेरिवेशन पढ़ना पड़ेगा तो इसको देखते हैं। आइए, यहाँ पर है कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर, स्मॉल ई एंड कैपिटल आर क्या है? दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ
सर्किट, ये सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इतनी चीज हम लोग यहाँ से समझ गए। अब हमें इस जो सेल है इसका सर्किट डायग्राम, ये तो रियल डायग्राम है, अब सर्किट डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेशन सर्किट डायग्राम से इजी होगा, आपको समझने में आसानी रहेगा। तो आइए एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दैट इज अ कैपिटल आर स्मॉल आर ईएमएफ लाइक दैट। इन द सर्किट देयर इज टू पार्ट, फर्स्ट इज ए बी, सेकेंड इज बी ए। इस सर्किट का दो पार्ट हो जाएगा यहां पर, फर्स्ट पार्ट इज ए बी एंड अनदर पार्ट इज बी ए, दो पार्ट है। इसे एक्सटर्नल सर्किट और इसे इंटरनल सर्किट ऑफ सेल बोलते हैं। अब यहां पर हमें क्या करना है कि सर्किट को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। सर्किट में क्या किया गया है कि कंसीडर अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ आर इज कनेक्टेड टू अ सेल विच आर इंटरनल रेजिस्टेंस। एक आर इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सेल के साथ एक आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाला एक आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है। तो यहां पर क्या होगा, कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर सेल है तो उसमें कोई करंट फ्लो होगा, सपोज दैट आई करंट फ्लो थ्रू इट इन दैट लूप। अब जब आई करंट फ्लो होगा तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसकी सेल का रियल या टोटल पोटेंशियल है जो कि उसका ईएमएफ होगा। यहां पर स्मॉल आर के पास भी लॉसेस होगा और कैपिटल आर, क्योंकि जहां भी आर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो लॉसेस होगा क्योंकि वी इक्वल टू आई आर। तो लॉसेस कौन कौन होगा, एक यहां पर लॉसेस होगा, सपोज दैट हम इस लॉसेस को बोल दें कि दैट लॉस इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू वी एंड दैट इज अ वी डैश। ओके, तो वी इज इक्वल, हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R एंड V डैश इक्वल टू I इंटू स्मॉल R। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, यह है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? अब यहां पर हम क्या देखेंगे कि जो उस सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल है, ईएमएफ मीन पोटेंशियल, यही पोटेंशियल दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक एक्सटर्नल के थ्रू और एक इंटरनल के थ्रू। तो यहां पर अगर हम पोटेंशियल को बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा कि ईएमएफ इज इक्वल टू वी प्लस वी डैश। वेरी सिंपल कि पोटेंशियल ड्रॉप से पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल विच इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्क डन अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट चार्ज, इसको को क्या बोल सकते हैं, दैट टर्म इज वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। अगर हम बोल दें कि क्यू वन है तो क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, यानी कि वी क्या है, वर्क डन ऑफ यूनिट चार्ज ड्यू टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस ये क्या है, वर्क डन ऑफ यूनिट चार्ज ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इज इट क्लियर? तो ये है हमारा
और ये क्या है ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो यहां से आप सबको समझ गए क्या है। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो दैट ईएमएफ इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ईएमएफ इक्वल टू आई इज कॉमन आर प्लस कैपिटल आर या कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, बात एक ही है। सो आई इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर प्लस कैपिटल आर, दैट इज अ करंट फ्लो इन एबव लूप। इसमें जो करंट फ्लो रहा उसकी वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो भी इक्वल टू आई इंटू आर। आई इज व्हाट, ई अपॉन आर प्लस कैपिटल आर एंड इंटू आर। लुक, ई अपॉन आर इज कॉमन बाय डिनोमिनेटर, सो आर आर अपॉन आर प्लस वन इंटू आर। R is cancel out to R, so which is equal to E upon 1 plus R by R, that is equal to V. So that is a potential drop across external resistance. तो यहाँ से आप इसको भी याद कर सकते हैं कि E upon 1 plus R by capital R, that is a main constant. Now नेक्स्ट टर्म इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। नेक्स्ट टर्म इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। नाउ ई इज इक्वल टू वी प्लस वी डैश, वी नो दैट ई इक्वल टू वी प्लस वी डैश। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी डैश ओनली, सो ई इक्वल टू वी प्लस I into small r, so small r is equal to E minus V upon R, or I. Now, if I equal to V upon R, Ohm's law, according to Ohm's law, then R is equal to E minus V upon V upon R, so which is equal to E minus V upon V into R, that is equal to small r, that is the next formula. So I remember it, I equal to E upon R plus R, V equal to E upon 1 प्लस आर बाई आर, एंड आर इक्वल टू ई माइनस वी अपान वी इंटू आर। ये तीन फार्मूले हम लोग यहाँ से समझ लिए, ये कौन इस रिलेशन में कौन कौन सा रिलेशन आया, इसी पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगा। अब एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, इसको फर्स्टली इसको इरेज कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग्स is that कुछ केस है, suppose that when cell is open, first case when cell is open, open circuit, अगर जो circuit हम बनाए थे, अगर ये circuit open है like that, like that, suppose that circuit is open, then what happen, I should be zero. In open circuit the current will be zero, current yahan par zero ho gaya.
जब करंट जीरो हो गया, ध्यान समझिएगा, जब करंट ही जीरो हो गया तो भी कितना आएगा? तो देखिए, यहां से हम बोल सकते हैं कि R इज इक्वल टू E माइनस भी अपान I. सो E माइनस भी इज इक्वल टू I इंटू आर, देन I इक्वल टू जीरो, सो E माइनस भी इक्वल टू जीरो, देन भी इक्वल टू E. भी मीन्स भी ओपन, भी ओपन इक्वल टू EMF. तो क्या होगा उस समय? जो पोटेंशियल होगा ओपन सर्किट का, वो कितना होगा? जितना उसका ईएमएफ होगा. यानी कि यहाँ पर अगर हम पोटेंशियोमीटर लगाएंगे, वोल्ट मीटर, तो जितना सेल का ईएमएफ है उतना ही आएगा. क्यों उतना ही आएगा? क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसके थ्रू लॉसेस क्या हो गया? खत्म हो गया. इसके थ्रू लॉसेस क्या हो गया? खत्म हो गया. इन दोनों के क्रॉस जो लॉसेस है वो हट गया. केवल ओपन सर्किट में जो जो वहाँ पर पोटेंशियल आएगा, वही पोटेंशियल कितना होगा उसका एग्जैक्ट ईएमएफ होगा. क्योंकि लॉसेस तभी होगा, आईआर तभी होगा जब आई होगा. आई ही नहीं है तो आईआर खत्म. तो आईआर खत्म हो गया तो ये ईएमएफ बचा, और यही ईएमएफ यहाँ पर बताएगा हमें अगर वोल्ट मीटर अप्लाई करेंगे तो. नेक्स्ट केस है कि रियल सेल में क्या होता है. अगर एक रियल सेल है, सपोज दैट रियल सेल, यानी कि प्रैक्टिकल सेल हम बोल सकते हैं, कि वहां पर क्या होगा? तो ध्यान समझिएगा. देखिए, रिलेशन है कि E इक्वल टू वी प्लस आई आर, यही है. अब ध्यान समझिए, अगर फॉर अ रियल सेल, रियल सेल, रियल सेल के लिए I इज नॉट इक्वल, सॉरी, R इज नॉट इक्वल टू जीरो, R कभी जीरो नहीं होगा. यानी कि R कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, कोई नंबर होगा. R एक नंबर होगा. जब R नंबर होगा तो E इज ग्रेटर देन V, क्योंकि यहां पर कोई ना कोई नंबर आएगा, और इसमें V को ऐड करने के बाद तब जाके E के इक्वल हो रहा है. ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ये रियल नंबर होगा, इस पर प्रोडक्ट करेंगे तो कोई नंबर आएगा, और उस नंबर को जब भी में हम ऐड कर रहे हैं तब जाके E के इक्वल हो रहा है. और जब ये नंबर ही नहीं रहेगा तब तो ये इससे कम ही हो जाएगा E से. समझ सकते हैं? जैसे ये एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि ये 10 है और ये 8 है और ये 2 है. तो आप देखिए, 8 में 2 को ऐड कर रहे हैं तब 10 आ रहा है. अगर हम 2 को हटा देंगे तो क्या 8 10 के इक्वल हो जाएगा? नहीं होगा. क्या बोलेंगे? 10 इज ग्रेटर देन 8. तो इस तरीके से E हमेशा क्या होगा? V से ज्यादा होगा. यानी कि फॉर अ प्रैक्टिकल सेल और रियल सेल, द ईएमएफ ऑफ द सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल. हमेशा उससे ईएमएफ ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस है, उससे लॉसेस होना है. तो ये हो गया. अब एक दो चीज है कि जैसे अगर हम लोग ये बोलें कि हमें कुछ ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसे पहला ग्राफ है कि E वर्सेस R, अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा? ध्यान समझिएगा, तो अगर E वर्सेस R है, इधर R ले लेते हैं, इधर E ले लेते हैं. ध्यान समझिएगा, दो केस है, मैं दो केस बना देता हूँ, E वर्सेस R. सेकेंड केस ये है आइडियल सेल और ये है रियल सेल, इसी को प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सेल भी बोलते हैं. ध्यान समझिएगा, तो आइडियल सेल मतलब कि उसमें कोई लॉसेस नहीं, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? जीरो है. तो जब R जीरो हो जाएगा, स्मॉल R जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा? अब देखिए, R का फार्मूला भी हम लोग क्या निकालते हैं? R इज इक्वल टू E माइनस भी अपान I, या इसी को हम लोग बोलते थे E माइनस भी अपान भी इंटू R. यही फार्मूला हम लोग पढ़े थे. अब देखिए, यहाँ पर जब ये जीरो है, ये जब जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा कि
ई माइनस वी इंटू आर दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान सोचिएगा कि यहां पर जो ईएमएफ होगा हमेशा कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट आएगा। क्यों कांस्टेंट आएगा? क्योंकि इसमें हम बोलेंगे ई माइनस वी इक्वल टू जीरो, तो ई आप इक्वल टू वी बोल सकते हैं, यानी कि आर नहीं आया। आर क्या आया? नहीं आया। तो आर जब नहीं है इसका मतलब आर को आप चाहे कितना भी इंक्रीज कर लो, चाहे कम कर दो या ज्यादा कर दो, भी उस पर ई पर कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें आर है ही नहीं। जब नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ये कांस्टेंट रहेगा, दैट इज ईएमएफ। हमेशा कैसा ग्राफ आएगा? एक कांस्टेंट ग्राफ आएगा, कांस्टेंट, क्योंकि इस फॉर्मूले में आर तो है नहीं। जब जिसमें आर होगा वो ना बैरी करेगा, आर को चेंज करेंगे तो ई चेंज होगा। इस रिलेशन में तो आर है ही नहीं, जब आर ही नहीं है यानी कि आर पे डिपेंड ही नहीं करेगा, चाहे आप आर जितना भी बढ़ा दो या घटा दो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब दूसरा केस है फॉर प्रैक्टिकल सेल। तो प्रैक्टिकल में क्या होगा? आर जो होगा ये जीरो नहीं होगा कभी भी, कुछ ना कुछ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा, देखिए यहां पर ईएमएफ एंड एक्सटर्नल स्ट्रेस। देखिए जब यहां पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व बनेगा, ये एक कर्व बनेगा, और ये जहां पर स्मॉल आर होगा, जहां पर क्या होगा स्मॉल आर होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आर के बराबर कैपिटल आर हो जाए। देखिए अब रिलेशन क्या है, आर इक्वल टू ई माइनस भी अपान भी इंटू आर। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आर इक्वल टू ई माइनस भी अपान आर, ये हो जाएगा। तो ये वन हो गया, ई माइनस भी अपान भी यहाँ आ जाएगा, भी इक्वल टू ई माइनस भी, तो क्या हो जाएगा e इक्वल टू टू भी, तो भी इक्वल टू कितना आ जाएगा e बाई टू। देखिए जब इंटरनल रेजिस्टेंस अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा तो उस टाइम तो जो ईएमएफ होगा ये पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल बोल सकते हैं, पोटेंशियल वो क्या होगा e बाई टू होगा। लेकिन जैसे जैसे हम r को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो उसी रेशियो में क्या होगा भी इंक्रीज करता चला जाएगा। इसीलिए इसका जो रिलेशन है एकदम कैसा हो रहा है इसका कर्व, इस तरह से इसका एक कर्व होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके बाद आप आर को चाहे कितना भी बढ़ा दो अब ये नहीं बढ़ेगा, तो वो जाके वहां पर कांस्टेंट हो जाएगा और उसे हम लोग बोलेंगे दैट इज अ ईएमएफ ई, इसे हम लोग ईएमएफ ई बोल देंगे, ये ईएमएफ है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको ग्राफ को समझ सकते हैं। दोनों ग्राफ को फिर से समझिए, यहां पर ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कोई रिलेशन नहीं था इसलिए कांस्टेंट है, यहां पर रिलेशन है। और यहां पर दो तरीके से है कि आर अगर स्मॉल आर के इक्वल होगा तो क्या होगा, तो उस समय जो पोटेंशियल होगा ई बाई टू होगा, यहां पर बताया है। लेकिन जब आर होगा या आर बढ़ता चला जाएगा, एक्सपेंड करता चला जाएगा, उस समय एक ऐसा कंडीशन आएगा कि उसके बाद आप आर को कितना भी बढ़ा दीजिए अब पोटेंशियल इंक्रीज नहीं करेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। तो वहां पर जो ईएमएफ होगा उसे हम लोग ई बोलेंगे, मैक्सिमम ईएमएफ। ओके, तो इस तरीके से है। अब अगर हम बोलें कि ये रिलेशन जो है ई वर्सेस आर नहीं बल्कि वी वर्सेस आर हो तो क्या होगा, अच्छा देखिए v इक्वल टू आई आर एंड i इक्वल टू वॉट e माइनस वी e अपान r प्लस r, ये होता है इंटू कैपिटल R। तो यहां से ये हो जाएगा, ये e हम यहां से r कॉमन ले लेंगे, ये बताए भी हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपान आर
इंटू आर, आर से आर कैंसल, तो यह आ जाएगा ई अपान वन प्लस आर अपान आर दैट इज इक्वल टू वी, ये रिलेशन आएगा। अब इसमें हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ अगर वी वर्सेस आर हो तो क्या होगा, अगर वी वर्सेस आर होता है ग्राफ तो यहां समझिए, अगर हम इस आर को बढ़ाना शुरू किए, सबसे पहले बात कि आर अगर हम जीरो लेंगे तो क्या होगा, जब आर हम जीरो लेंगे, ध्यान समझिए, जब आर हम जीरो लेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, व्हाट, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में वन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से अगर किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जीरो, तो उस समय जो भी आ जाएगा वो आ जाएगा जीरो। दूसरा केस है कि आर को अगर कैपिटल आर लें, कैपिटल आर यानी कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कर दें, तब देखिए क्या होगा, तो ये वन हो जाएगा, वन और वन टू, तो ये कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू ई बाई टू। थर्ड केस कि अगर आर जो है, ये कैपिटल आर जो है ये बहुत ज्यादा हो, इन्फिनिटी हो, लाइक दैट, तो क्या होगा, अगर ये इन्फिनिटी है तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जीरो, जीरो में वन को ऐड करेंगे तो वन आएगा, तो उस समय ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, जो अभी मैं ग्राफ बताया था पिछला केस बिल्कुल वही है। तो कैसे हो जाएगा इसका ग्राफ, एक बार जीरो, एक बार e बाई टू और एक बार e, ये केस थोड़ा सा, इसे थोड़ा समझना इस तरीके से थोड़ा सा और आसान है, ये ग्राफ बनेगा जो मैंने अभी बताया था, यहाँ पर r, इधर चले जाइए इन्फिनिटी की तरफ तो वहीं आएगा, तो इस ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, e वर्सेस r या v वर्सेस r, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, सेम होगा। अब एक केस है v वर्सेस i, लास्ट केस है कि v वर्सेस अगर i के ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनेगा, देखिए v वर्सेस अगर i का ग्राफ आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो e इक्वल टू v प्लस i इंटू स्मॉल r होता है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, e माइनस आई आर, यहां से इसको लिख सकते हैं कि माइनस आई आर प्लस ई दैट इज इक्वल टू वी। एक क्लास टेंथ में मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन था, जब कोई लाइन ओरिजिन से पास होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स, अगर वही वाई एक्सिस पे कुछ इंटरसेक्ट करते हुए लाइन पास करता है तो क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन आता है। यहां से ध्यान समझिएगा, यहां से अगर हम कंपेयर करेंगे तो c क्या हो जाएगा, c यहां पर e है और यहां पर m क्या हो जाएगा, देखिए किसके किसके वर्सेस में है, यहां y x के वर्सेस में था, यहां भी i, तो भी और i को छोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस r। इस तरीके से अगर हम इक्वेशन बनाएं, यहां पर एक ग्राफ बनाएं कि अगर ये भी है और ये i है, इसके में ग्राफ बनाएंगे, ध्यान समझिएगा, तो ये जो लाइन होगा ये लाइन कैसे पास होगा, देखिए थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, v एंड i, लुक, तो इसका जो स्लोप है माइनस r है और e, तो e मतलब पॉजिटिव है, तो इधर कहीं इंटरसेक्ट करेगा और ये यहां करेगा, तो ये लाइन बिल्कुल ऐसे पास होगा जिसका ये इंटरसेक्शन जो है e होगा और इसकी जो स्लोप है यानी कि ये जो थीटा होगा, तो ये जो टेन थीटा आएगा वो माइनस आर, ये होगा, ओके, माइनस क्यों है, क्योंकि थीटा हमेशा एक्स एक्सिस से होता है, तो ये नहीं थीटा होगा बल्कि ये होगा थीटा, ठीक है, तो यहां से ये हो गया, तो इस तरीके से हम इसका जो, इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप वो कितना होगा, माइनस आर होगा और इसका जो इंटरसेक्शन होगा ये होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को आज देखें, उसमें ग्राफ देखें कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसे तीन चार फार्मूले हम लोग देखें, इस पर क्या होगा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको डायरेक्ट बन जाएगा। अब आप इस तरीके से समझ चुके हैं कि एक सेल क्या होता है, सेल में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है। अब हम लोग जो अगला लेक्चर लेके आएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, वो आपको समझना बहुत आसान होगा, क्योंकि
अभी आप सेल के बारे में लगभग काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं। तो इस तरीके से आप इसको देखिए, और नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार देखिए। उम्मीद है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, और अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप हमें बताइए रिप्लाई करके कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, और साथ ही साथ मुझे समझ में आने के साथ साथ इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। क्योंकि आपको ये तभी माना जाएगा कि समझ में आ गया जब आपका इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अदरवाइज़ कैसे पता चलेगा हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो आप इस पर ईमानदारी से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाइए, अगर आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन जाता है तो फिर आप हमें ज़रूर बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।